नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। बिहार विधानसभा चुनाव होने के कुछ ही दिन रह गए हैं और अब सभी दलों के उम्मीदवारों ने अपने चुनाव प्रचार की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया है। इसी कड़ी में सभी बड़े नेता अपनी पार्टी का समर्थन करने बिहार आ रहे हैं। मनोज तिवारी से लेकर तेजस्वी यादव और राजनाथ सिंह, संबित पात्रा समेत कई और बड़े नेता बिहार आकर बिहार के लोगों से बात कर रहे हैं। कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तो कईयों ने एक्चुअल रैली कर अपनी बात जनता के सामने रखी और ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी और भी कई बड़े नेता, खासकर पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और जनसभा कर अपनी बात बिहार की जनता के सामने रखने वाले हैं। हालांकि इस बार जनता के मन में क्या है और जनता इस बार किसे अपना प्रतिनिधि चुनेगी, ये बताना काफी मुश्किल हो रहा है। बिहार और खासकर भागलपुर जिले के लोगों से बातचीत कर यह लग रहा है कि भागलपुर की जनता इस बार किसी भी हाल में बदलाव चाहती है और काफी लोगों का यह भी कहना है कि अपने दो टर्म के कार्यकाल में विधायक जी भागलपुर को विकास की ओर ले जाना ही भूल गए। ये तो बिहार और भागलपुर के चुनावी माहौल के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन चुनाव की आड़ में ये सभी नेता बिहार में एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जो आने वाले दिनों में बहुत ही भयावह हो सकती है। ऐसे में यहाँ समझना यह है कि नेता आते हैं, जनता उन्हें सुनने के लिए एक जगह इकट्ठा होती है, वे अपना भाषण देते हैं और चले जाते हैं। ये सारे नेता अलग से पूरी सुरक्षा के साथ आते हैं, अलग रहते हैं, अलग खड़े होकर भाषण देते हैं, पर जनता हजारों की तादाद में एक जगह होती है। एक समय पर कोरोना काल में एक जगह जहां 50 लोगों को भी इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई थी, वहीं अब जब देश में कोरोना के मामले 70 से 80 हज़ार प्रतिदिन बढ़ रहे हैं तो ऐसे में ये इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार में चुनाव से पहले ही कोरोना बम ऐसे विस्फोट होगा कि उसे संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ हमारी जनता से यह अपील है कि भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें और COVID-19 के गाइडलाइंस का पालन करें, साथ ही अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें।